अच्छा खाई साहब, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि ये जो फेज़ चल रहा है ये कोई पेनफुल फेज़ होगा, तो ये जो आपने पेनफुल फेज़ की बात की है तो इसमें काफ़ी पेनफुल वाक़यात भी पेश आ रहे हैं। और आपके एक साबिक MNA साथी हैं जमशेद दस्ती साहब, वो बहुत चीखो पुकार कर रहे हैं। कल पता नहीं रात को उनके साथ क्या हुआ है, ज़रा एक छोटा सा क्लिप ज़रा सुन लें उनका, उनकी आवाज़ में वो क्या कह रहे हैं। मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपको बता रहा हूँ, मैं जमशेद दस्ती आपसे मुखातिब हूँ। मैं 4 कौमी असेंबली का इलेक्शन जीता हूँ। आज खुफिया एजेंसियां और CTD के लोग मेरे घर जफर कॉलोनी जंग रोड मुजफ्फरगढ़ पे दाखिल हुए हैं और इन्होंने बहुत बड़ा जुल्म और बेगैरती का मुजाहरा किया है। मेरी बीवी को इन्होंने नंगा कर दिया है, मेरे मोबाइल चाहे तशद्दुद किया है, बच्चों को मारा है। मेरा छोटा बच्चा 10 महीने का है, वो चीखता चिल्लाता रहा है। जी ख्वाही साहब, आपने जमशेद दस्ती साहब का ये वीडियो स्टेटमेंट सुना है, तो इसमें वो कह रहे हैं जी मैं नहीं इलेक्शन लड़ता, मैं बैठ जाता हूँ, मैं बैठ जाता हूँ। तो उनका ये जो स्टेटमेंट है इसको तो जो CTD है उसने मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा जी कि ऐसा वाक़या हुआ ही नहीं, हमने कोई छापा मारा ही नहीं है। लेकिन फिर भी जमशेद दस्ती साहब जो उन्होंने बड़े सीरियस इल्ज़ाम लगा दिए हैं, तो अगर CTD इसकी तरदीद भी कर रही है तो फिर भी जमशेद दस्ती ने तो ऐलान कर दिया कि मैं बैठ रहा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ। तो एक बंदा अगर इस तरह रो धो के इलेक्शन से दस्तबरदार होने का ऐलान कर दे तो फिर इलेक्शन की क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी। मैं मीसा मैं इसका जो है ना तजिया कर सकता हूँ, लेकिन गुरेज करूँगा क्योंकि ये बहुत आगे चले गए हैं अपनी गुफ्तगू में और मैं उसका कॉन्ट्रडिक्ट उसको नहीं करना चाहता। सिर्फ आपको याद कराऊंगा कि इन साहब ने हमारे कुबीग रहे हुए हैं। मेरा कोई इनसे कोई झगड़ा वगड़ा या कोई ऐसा नहीं है। अल्लाह करे ये जो बात कर रहे हैं, मेरा मेरा अपना ख्याल है कि इसमें वो राय फरार जो है इख्तियार करने के लिए उसकी जस्टिफिकेशन जो है पेश कर रहे हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा माजी में जान के देखें तो इनकी जबान, इनकी गुफ्तगू इमरान खान के मुतल्लिक क्या थी, हाँ मैं लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता। आपको याद है? जी मुझे याद है, मुझे याद है, याद है ना आपको? जी जी याद है, नाकाबिले बयान है वो, नाकाबिले बयान है। नवाज शरीफ के मुतल्लिक उन्होंने गुफ्तगू बयान की हुई है और फिर ये इस शर्त पे इस प्ली पे रिहा हुए थे जब ये उस जमाने में पकड़े गए हैं कि मेरी बेवा बहन है और बीमार माँ है, मुझको रिहा कर दें। आपको ये भी याद है? जी मुझे याद है खाए साहब, आप मेरी याददाश्त का इम्तिहान लेना शुरू हो गए। मैं कुछ नहीं करना है, मैं कुछ नहीं करना है। अच्छा ठीक है, और कुछ नहीं करना है। अच्छा लेकिन खाए साहब, एक आपके चले ये तो चले आपने मेरी मेरी याददाश्त का इम्तिहान ले लिया है, लेकिन आपके एक साबका इत्तेहादी हैं, ये पिछली हुकूमत जो गुजरी है जिसमें आप डिफेंस मिनिस्टर थे, तो इसमें एक BNP मैंगल थी, वो आपकी इत्तेहादी थी। तो BNP मैंगल वाले भी कह रहे हैं कि जी हमारे भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हो रहे हैं। तो अख्तर मैंगल साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, वो क्या कह रहे हैं। 2024 के इलेक्शन कहा जाता है इसको इलेक्शन, लेकिन मैं उसको बदतरीन सिलेक्शन का नाम दूंगा जिसकी तैयारियां की जा रही है। नॉमिनेशन पेपर हमारे साथियों के किसी के जेब में अगर बटुआ नहीं हुआ है तो उसको भी रिजेक्ट कर दो, किसी की टोपी अगर थोड़ी टेढ़ी रखी हुई है उसको भी रिजेक्ट कर दो। तो खाए साहब, ये तो PTI से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये तो PTI के खिलाफ जो तरीके अदम एतमाद थी उसमें इनके 4 वोट थे, उन्होंने डिसाइसिव रोल प्ले किया था। तो ये इनके इनके साथ किसकी दुश्मनी है? ये मैं मीर साहब, आप मेरे जो ख्यालात हैं या नजरियात हैं बलूचिस्तान के मुतल्लिक वो आपको बड़ी अच्छी तरह मालूम है। आपके प्रोग्राम में मैंने बड़ी तरह उन पे इजहार भी किया हुआ है। मैंगल साहब की मैं इज्जत करता हूँ, इनके बुजुर्गों की इज्जत करता हूँ। इनके बुजुर्ग बहुत बड़े आदमी थे, ये खुद भी जो है अच्छे आदमी हैं, बड़े आदमी हैं। मैं उनके ख्यालात या उनके नज़रियात से कुछ छोटा मोटा इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन मैं उनका एहतराम जो है वो मेरे लिए बहुत मोहतरम है। ये मुझे इस बात का इल्म नहीं है, अगर कोई इस किस्म की बात हुई है
तो मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान में जो हमारी पॉलिसी होनी चाहिए, अगर अल्लाह ताला हमें हुकूमत देता है, उसमें ये हमारे वहाँ पे जो नेशनलिस्ट एलिमेंट है, या वहाँ पे एक रिश्ता हुआ नासूर है मिसिंग पर्संस का, ये केपी में भी है और जगह में भी है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। ये नेशनल इंटेग्रिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर नेशनल इंटेग्रिटी जो है उसके इस किस्म के दरारें जो है एग्जिस्ट करती रहें और उनको, इन दरारों को जो है मरम्मत ना किया जाए, उनको बंद ना किया जाए, तो अल्टीमेटली वो हालात ऐसे बन जाते हैं कि फिर किसी के हाथ कुछ नहीं आता। मैं इतना ही इस पर ठीक है।